गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सम वर्ड मीनिंग। टू ब्रदर्स, द नेम ऑफ द लेसन्स इज अ टू ब्रदर्स। राइट अ वर्ड मीनिंग। टाइडीनेस, टाइडीनेस मीन्स वह व्यक्ति जो कोई भी सामान, कोई भी चीज जो सही जगह पे और साफ सुथरे तरीके से रखता है उसको बोलते हैं टैडीनेस। कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर वे। टैडीनेस मीन्स कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर वे, किसी भी चीज़ को साफ सुथरे तरीके से और उचित स्थान पर रखना टैडीनेस। मेसीनेस, मेसीनेस, मेसीनेस मीन्स कीपिंग थिंग्स, कीपिंग थिंग्स इन केयरलेस आर डर्टी वे। मेसीनेस, मेसीनेस मीन्स कीपिंग थिंग्स इन केयरलेस आर डर्टी वे, किसी भी चीज़ को लापरवाही से और गंदे जगह पे जहाँ वह चीज़ नहीं रहना चाहिए वहाँ रखना मेसीनेस है। हॉस्टल, हॉस्टल मीन्स the place where student the place where student live and study। hostel, वह student किसी भी हॉस्टल में रह करके जो वहाँ पढ़ता है उसको हॉस्टल बोलते हैं। क्रैश, क्रैश, एंग्री, एंग्री, नाराज। नाउ वन अगेन आई रिपीट, टेडीनेस, टेडीनेस मीन्स कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर वे, वह मैनर, वह तरीका जो किसी चीज़ को सही जगह पे और साफ सुथरे तरीके से रखना टेडीनेस कहलाता है। मेसीनेस, कीपिंग थिंग्स इन केयरलेस आर डर्टी वे, गंदे तरीके से, लापरवाही से किसी भी चीज़ को रखना हॉस्टल। द प्लेस वेयर स्टूडेंट लिव एंड स्टडी, वह जगह जहाँ बच्चे रह करके
अपना अध्ययन करते हैं, क्रश एंग्री। सो ओपन योर बुक चैप्टर वन, द नेम ऑफ द लेसन इज अ टू ब्रदर्स। इन दिस लेसन देर आर टू ब्रदर्स, इन दिस लेसन देर आर टू ब्रदर्स। वन ब्रदर्स बिलीव्स इन स्टेडीनेस, वन ब्रदर बिलीव्स इन स्टेडीनेस। एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, दो भाइयों में एक जो है वह टीडीनेस में विश्वास करता है, यानी साफ सुथरा रहता है, किस चीज़ को किस जगह रखना चाहिए वह प्रॉपर वे उचित जगह पे रखता है। बट अदर बॉय बिलीव्स इन मेसीनेस, बिलीव्स इन मेसीनेस। वह किसी भी चीज़ को लापरवाही से और गंदे जगह पे जो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए वहाँ ले जा करके रखता है, उसमें वह विश्वास करता है। अब बताइए, आप लोग बताइए कि आप लोग किस में बिलीव करते हैं, किस में विश्वास करते हैं, टीडीनेस में विश्वास करते हैं कि मेसीनेस में विश्वास करते हैं। अगर आप टीडीनेस में विश्वास करते हैं, किसी भी चीज़ को सावधानी से सही जगह पे रखते हैं, तो आपको सभी चीज़ें, चाहे बुक हो चाहे भी अदर थिंग्स हो, उसको सही जगह पे साफ सुथरे जगह पे रखना पड़ेगा। और यदि आप मेसीनेस में विश्वास करते हैं तो किसी भी चीज़ को लापरवाही से और गंदे जगह पे रखना पड़ेगा। तो डिसाइड योर सेल्फ इन विच मैनर्स डू यू बिलीव। आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिए कि कौन स्टूडेंट्स टीडीनेस में विश्वास करता है और कौन स्टूडेंट मेसीनेस में विश्वास करता है। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। चलिए ये दोनों भाइयों की कहानी को पढ़ते हैं, जो उन लोगों का मैनर, उन लोगों का तरीका अपोजिट है। एक स्टूडेंट है जो टीडीनेस में विश्वास करता है और उसमें से अदर जो ब्रदर है वह मेसीनेस में विश्वास करता है। तो उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों के साथ क्या घटनाएं घटती है, जो टीडीनेस में विश्वास करता है उसके साथ क्या होता है और जो मेसीनेस में विश्वास करता है उसके साथ क्या होता है। नाउ आई स्टार्ट द लेसन्स, लुक केयरफुली। मिस्टर टाइडी एंड मिस्टर अनटाइडी वे आर ब्रदर्स। इसमें मिस्टर टाइडी और अनटाइडी दो ब्रदर हैं। द नेम ऑफ वन ब्रदर मिस्टर टाइडी एंड अदर ब्रदर मिस्टर अनटाइडी वे आर ब्रदर्स, दो भाई थे। दे वेर इन द सेम स्कूल और दे स्टडीज इन द सेम स्कूल, यानी वे दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। दे लिव इन द सेम हॉस्टल और जो हॉस्टल में रहते हैं वह एक ही हॉस्टल में भी रहते हैं। एंड ऑफ द कोर्स शेयर द सेम रूम और उन लोगों का रूम भी सेम है, अलग अलग डिवाइड नहीं है। दो ब्रदर हैं, दोनों हॉस्टल में रहते हैं और दोनों एक ही रूम में रहते हैं। बट देयर मैनर्स
आर अपोजिट, वन बिलीव इन टीडीनेस एंड अदर बिलीव इन मेसीनेस। हाउएवर दे वेयर जस्ट अपोजिट टू इच अदर, और उन लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक स्टूडेंट जो है, एक भाई जो है, वो अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, सावधानी से किसी भी चीज़ को करना चाहता है, बट अदर ब्रदर लापरवाही से, गंदे तरीके से काम को करना पसंद करते हैं। बोथ ऑफ देम लाइक मिस्टर टाइडी वाज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। मिस्टर टाइडी ऑलवेज मिस्टर टाइडी ऑलवेज नीट एंड क्लीन, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। जो मिस्टर ये जो ब्रदर है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है, बट मिस्टर अनटाइडी मिस्टर अनटाइडी मेस ऑफ द रूम व्हेन एवर ही केम एंड मिस्टर टाइडी ऑलवेज हर समय जहाँ भी वो रहता है वह वहाँ के जगहों को, वहाँ के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखता है। बट मिस्टर अनटाइडी हमेशा जहाँ भी वह रहता है, अगर वह बाहर से आता है, वह हॉस्टल में एंट्री करता है, रूम में एंट्री करता है, तो वह गंदा ही रहता है, और आकर के वहाँ के सभी जो चीज़ें होती है उसको भी वह गंदा करता है। दे आर डिफरेंट, दिस इज वाई मिस्टर टाइडी वाज ऑलवेज क्रास व्हेन ही फाउंड दैट मिस्टर अनटाइडी हैड मेस्ड द रूम ऑफ एट द सेम टाइम्स। बट when the Mr. Tidy comes in the room and saw all things are dirty, Mr. Untidy messed the room, made the bench, made the book dirty, make dirty all the books. When Mr. Tidy saw the rooms, books and other things hither and thither on the ground, they are not arranged, Mr. Tidy became angry at the same times, and he always tried to keep the things neat and clean. But Mr. Untidy likes to make things, books, room dirty. In this way, there is a three paragraph. Now, today I stop to reading. So, I request you be mind and read carefully this video and like and reply also. So I know that my video is clear or okay. Thank you.